फिर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए फोकस करते हैं कॉर्पोरेट स्कैन पर। जिंदल स्टेनलेस का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ये कंपनी खबरों में आई थी और उसके बाद काफ़ी एक्शन देखने को मिला। 14% तक की दौड़ लगाई है इसने रिसेंट पास्ट में। कई बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने हाल ही में बैक किए हैं। मोजाम्बिक को एक्सपोर्ट किए गए 100 रेल वैगन्स के निर्माण के लिए कंपनी ने स्टेनलेस स्टील सप्लाई की थी। कंपनी इनफैक्ट बड़े पैमाने पर हाई क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील वंदे भारत ट्रेन्स के लिए भी सप्लाई कर रही है। अब मोजाम्बिक का ऑर्डर ओवरऑल एक्सपोर्ट में कितनी अपॉर्चुनिटी बन रही है, सब पर बात करने के लिए कंपनी के सीईओ तरुण कुलबे हमारे साथ है। तरुण जी, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले ये मोजाम्बिक के ऑर्डर के ही डिटेल्स हमें दे सके, आपकी तरफ से कितना स्टील सप्लाई किया गया है और कुल कंपनी के पास क्या कैपेसिटी है इस तरह के और ऑर्डर्स सर्विस करने के लिए? थैंक यू अर्षदा। तो मोजाम्बिक के ऑर्डर की अगर हम बात करें तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि जो मोजाम्बिक के ऑर्डर हैं, जो कि वैगन्स जो रिक्वायरमेंट है, बेसिकली ये वैगन्स ओर और कोल को कैरी करने के लिए यूज होते हैं और ये वैगन्स सिमिलर काइंड ऑफ वैगन्स इवन इंडिया में भी इनकी काफी रिक्वायरमेंट है। तो इंडिया में भी आप ये मान के चलिए कि हर साल करीब 10 से 11 हजार ऐसे ही वैगन्स हम स्टेनलेस स्टील में बनाते हैं एंड स्टेनलेस स्टील से क्योंकि काफ़ी एडवांटेज हैं इस तरीके के वैगन को बनाने में है। नॉट ओनली लाइफ टाइम कॉस्ट के ऊपर ये काफ़ी सस्ते होते हैं, स्टेनलेस स्टील मेक्स देम लाइटर, मेक्स देम मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड बिकॉज ऑफ बींग लाइटर उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से मोजाम्बिक तो एक हमारे लिए एक्सपोर्ट में नया एक खुल रहा है, एक नए बिजनेस आयाम खुल रहे हैं जिसमें कि हमको 100 वैगन्स के लिए मटेरियल सप्लाई किया। इसमें हर एक वैगन में करीब 4.5 से 5 टन के करीब स्टेनलेस स्टील लगता है। तो बट जैसा मैंने आपको बताया कि स्टेनलेस स्टील के रिक्वायरमेंट इवन हिंदुस्तान में भी जो वैगन्स बनते हैं उनमें भी पूरा काफी यूज होता है और जो कोचेस वगैरह हैं, चाहे वंदे भारत के हैं या बाकी के भी जो कोचेस हैं, वो आज 100% कोचेस स्टेनलेस स्टील में ही बनते हैं और एडवांटेज जो मैंने आपको बताया उसी वजह से कि ये ज्यादा लाइटर किए जा सकते हैं, कोरोजन के इश्यूज नहीं होते, मेंटेनेंस काफी कम होती है, लाइफ काफी अच्छी मिलती है। तरुण जी एग्जैक्टली बताइए कि क्योंकि मैं अभी FY25 को लेकर और नंबर से भी बात करूंगा लेकिन रेलवे से बोथ इन इंडियन मार्केट्स एज वेल एज ओवरसीज FY25 में कितना आप रेवेन्यू देख रहे हैं प्लस मतलब कितना इंक्रीमेंटल रेवेन्यू देख रहे हैं आप इसमें और मार्जिन कैसे रहते हैं इसमें? सो फार एज हमारे अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ की बात करते हैं तो हमने FY24 में वी हैड अ वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ अराउंड 23% और FY25 में हम जो है करीब वॉल्यूम ग्रोथ टोटल 20% के करीब फर्दर देखते हैं क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली दिस सेगमेंट, ऑल द डोमेस्टिक मार्केट जो स्टेनलेस स्टील का है दैट इज डूइंग गुड, वेदर इट इज रेलवेज या वेदर इट इज ऑटोमोटिव, पाइप एंड ट्यूब, ABC सेगमेंट, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सभी कुछ बेहतर कर रही हैं। सो ऑन एन एवरेज 7-9% हम मार्केट ग्रोथ को देखते हैं एंड कंपनी लेवल के ऊपर एज आई सेड तो हम 20% फर्दर वॉल्यूम ग्रोथ FY25 में देख रहे हैं। जी, और मैं पहले इस हम चर्चा को क्यों कर रहे हैं और अब मेरा अगला प्रश्न केंद्रित कहां पर है, जरा मैं आपको एक स्टॉक वाला स्टॉक दिखाता हूं। 808 पे आप इस मेटल साइकिल को देखें जो कि मिड 22 में शुरू हुई थी। दर्शकों को से गुजारिश है एक बार इस चार्ट को देखिए, ₹158 का ये स्टॉक अभी हाल फिलहाल में ही 848। तो ये जो मेटल्स की साइकिल हम बात करते हैं ना उसमें बहुत अच्छा रन इस स्टॉक ने दिया है। सर ये बताइए कि मैं आपके वो जो लास्ट ईयर FY24 की जो कैपेक्स की अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट थी ₹3800 करोड़, ये FY25 के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपने ₹4700 करोड़ रखा है चरणबद्ध तरीके से मिड हाफ तक मिड ऑफ दिस फिस्कल, कितनी कैपेसिटी ऐड हो जाएगी और फर्दर जो कैपेसिटी ऐड हो रही है उसके थोड़ा विवरण दीजिए सर। हाँ जी, तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट्स चूंकि बेटर कर रहे हैं और हम इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमारे अपने ग्रोथ प्लान्स कंटिन्यूअसली हमने बनाए और पहले हमने एक अपना 1 मिलियन की कैपेसिटी ऐड करी थी जो कि अभी रैंप अप फेज में है
और इस समय इस साल हमारा करीब 75% ऑफ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था, 75% सेल्स ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था, जो कि FY25 में 90% हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमको अपनी ग्रोथ मेंटेन करनी है, इसीलिए हमने कैपेक्स अपने अनाउंस किए। इसमें अगर आपने पहले पढ़ा हो, हमने इंडोनेशिया में पिछले साल सबसे पहले निकल बनाने के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट किया था। फिर अभी हाल ही में हमने इंडोनेशिया में ही वहाँ पे एक स्टील मेल शॉप 1.2 मिलियन की लगाने का इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया है। और डोमेस्टिक मार्केट में हम अपने उड़ीसा प्लांट में एक तरफ जो अपनी डाउनस्ट्रीम कैपेसिटी है उसको बढ़ा रहे हैं, और साथ में हमने क्रोमेनी स्टील जो कि मुंद्रा में एग्जिस्ट करती है उसको खरीदा है, जिसके पास की 0.6 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी है, अगेन कोल्ड रोलिंग की। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, हम इस कैपेसिटी को मीट करने के लिए ही, जो हम डिमांड को मीट करने के लिए ही इन सारे इन्वेस्टमेंट्स को कर रहे हैं। और इस तरीके से अपस्ट्रीम में हमने इंडोनेशिया में फॉर द शॉर्ट टर्म इमीडिएट, क्योंकि इंडोनेशिया में क्या है कि वहां पे जो मॉडल्स हैं प्लग एंड प्ले काइंड के हैं, और दो साल के अंदर हमारी फैसिलिटी प्रोडक्शन में आ जाएगी, तो वो हमारी मिड टर्म और शॉर्ट टर्म डिमांड को पूरा करने के लिए वो हमने डिसीजन लिया। लॉन्ग टर्म के लिए अभी हम हिंदुस्तान में आ गए और अपने प्लान्स देख रहे हैं कि किस तरीके से हम फर्दर एक्सपांड करेंगे। इस समय अगर एक अंदाजा में दे सके कि डिमांड आउटलुक की स्थिति क्या है, ऑटो सेक्टर से तो अब तक अच्छे संकेत ही मिलते दिखाई दे रहे हैं और बाकी इंफ्रा कंपनियों से भी, और क्या फिर वो डिमांड अगर अच्छी दिख रही है वो इबिटा पर टन में भी ट्रांसलेट होगी, क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के बीच हमने देखा है कुछ नरमी देखने को मिली थी तरुण जी, तो क्या वो इम्प्रूव हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड? तो अर्षदा, इसीलिए आपका पॉइंट सही है, लेकिन डिमांड की जब तक हम बात करते हैं, मैंने अभी भी कहा कि डिमांड हम डोमेस्टिक मार्केट में कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग डिमांड देख रहे हैं। ऑन एन एवरेज 8-10% का हम मार्केट ग्रोथ देख रहे हैं टोटालिटी में। और जहां तक हमारी जो एबिटा पर टन की बात है, आप सही कह रही हैं, जो जो कि सॉफ्ट तो जरूर हुआ था, लेकिन हमने फिर भी इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए जो अपना एबिटा गाइडेंस FY25 के लिए दिया है वो 18,000 से 20,000 रुपए पर टन के ऊपर दिया हुआ है, एंड वी आर स्टिकिंग टू दैट। तो जो थर्ड क्वार्टर में नियरली 14,500 रुपीज पर टन पर आया था, तो आप कह रहे हैं कि वो स्केल बैक करेगा। अच्छा, एक चीज कंसिडरिंग आपकी नियरली 15% वॉल्यूम्स एक्सपोर्ट से आती है और ज्यादातर एक्सपोर्ट्स 40% ऑफ एक्सपोर्ट्स यूरोप में है, जो ईयू ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में लागू किया है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिजनेस पर, और इस तरह का अगर वहां पर इनिशिएटिव लिया जा रहा है कैसे मिटिगेट करेंगे उसे? तो देखिए, हमारा करीब 15% का एक्सपोर्ट है जैसा आपने नंबर दिया, और उसमें से करीब 40% जो है ईयू में है, तो ये जो वॉल्यूम है ईयू वाला वो डेफिनेटली सीबैम से इम्पैक्ट होता है। लेकिन सीबैम का अभी तो जो इंटरिम पीरियड है जिसमें डेटा कंप्लायंस वगैरह करना है, जो कि हम कर रहे हैं, और 1 जनवरी 2026 से उसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट वाला पार्ट शुरू होता है। लेकिन एज अ कंपनी मुझे लगता है कि वी शुड बी मोर कॉम्पिटिटिव इन कंपैरिजन टू अदर स्टेनलेस स्टील एक्सपोर्टर्स, क्योंकि एज अ कंपनी हम लोग ने काफी स्तर से ले रहे हैं अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए। काफी हमने इन्वेस्टमेंट्स अपने रिन्यूएबल एनर्जी में किए हैं, जिसमें कि सोलर एनर्जी भी है एंड विंड एनर्जी भी है, और उसके अलावा जो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी एक पहले पायलट प्रोजेक्ट लगाया और अभी एक बड़ा प्लांट हम लगाने जा रहे हैं। तो एज अ कंपनी हम अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कंट्रोल और रिड्यूस करने के लिए कंटिन्यूसली एफर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी कंपनी एक बेहतर कंडीशन में होनी चाहिए इन फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन को भी फेस करने के लिए। ओके, अच्छा सर, मैं आपसे एक बात पूछूं। लास्ट लगभग 4-5 इंटरेक्शन मुझे आपसे करने का मौका मिला, या फिर जिंदल स्टेनलेस से, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इंडोनेशिया में नहीं रहा है, स्पेशली कंसिडरिंग आई थिंक चाइनीज इंटरवेंशन। अभी आपका इंडोनेशियन ऑपरेशंस में, मतलब टोटल ऑपरेशंस में इंडोनेशिया कितना पार्टिसिपेट करता है, और क्या पहले से ज़्यादा थोड़ा सा एनवायरनमेंट ठीक हुआ है वहाँ पे?
तो जो हमारा जो आपका पॉइंट एकदम वैलिड है, हमारा पहले वहां पे एक कोल रोलिंग का प्लांट था इंडोनेशिया में, जिसके ऊपर की हमको चैलेंजेस रहे ऑफ कोर्स वहां पे, क्योंकि डोमेस्टिक जो मार्केट में काफी चाइनीज लोगों का डोमिनेंस रहा और वहां पे गवर्नमेंट ने भी उस डंपिंग को रोकने के लिए कुछ ज्यादा एक्शन नहीं लिए। लेकिन अभी जो हमारी इंडोनेशिया में जो पार्टनरशिप है, वहां पे जो तिंगशांग ग्रुप है उनके साथ में हमारी पार्टनरशिप है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर रनिंग ह्यूज इंडस्ट्रियल पार्क, और उसमें चूंकि रनिंग ऑपरेशन की जिम्मेदारी उनकी है, तो वी आर वेरी श्योर द वे द थिंग्स आर कमिंग अप। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, हमारा जो एनपीआई के ऊपर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, जो कि 2 साल के ऊपर इस Q4 ऑफ FY25 पे उसको कमीशन होना था, विच यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो Q2 FY25 में कमीशन हो जाए। तो द थिंग्स आर मच डिफरेंट नाउ व्हेन वी वर्क विद आवर पार्टनर। तो मुझे लगता है कि जो अब जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं और जिन एरियाज में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इंडोनेशिया में निकल और जो है ऑलमोस्ट 40% ऑफ द ग्लोबल और रिजर्व वहीं पे हैं, और जो दुनिया का करीब 30% निकल वहीं बनता है, तो वो सब देखते हुए वहां पे ये हमारे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हैं, विच ऑल्सो गिव्स अस रॉ मटेरियल एश्योरेंस इन द लॉन्गर रन। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं ये कंपनी को काफी हेल्प करेंगी इन द लॉन्ग रन।